नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के इस रिव्यू में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल के 62वें मुकाबले में कल गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने हुए थे। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत लिया था। इस मुकाबले में गुजरात के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला गर्जा और 58 गेंदों पर 101 रन लगा दिए। इसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने चार चार विकेट अपने खाते में डाले और गुजरात को एक आसान जीत दिलाई, जिसकी वजह से यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी और भी आगे की रिपोर्ट। कल का मुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए काफी स्पेशल था। इसका पहला कारण तो यह रहा कि कल यह टीम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अलग रंग की जर्सी में नजर आई थी, तो वहीं दूसरा कारण यह रहा कि कल के जीत के बाद टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। कल का यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के ओपनर साहब पहले ही ओवर में आउट हो गए, जिसके बाद गिल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला और 147 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि दोनों जब मैदान पर थे तब तक ऐसा लग रहा था कि गुजरात बहुत बड़े स्कोर की तरफ जा रही है, मगर ऐसा हुआ नहीं। साई सुदर्शन के 47 रन पर आउट होने के बाद साझेदारी टूटी और फिर विकेट की झड़ी ही लग गई। हार्दिक 8 रन, मिलर 7, राहुल तेवतिया 3, शनका 9, बाकी खिलाड़ी 0। यही कारण रहा कि टीम 188 तक ही पहुंच पाई, जहां एक वक्त लग रहा था कि टीम विपक्षी टीम के सामने 225 से ऊपर का टारगेट दे सकती है। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने कल अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वहीं 189 के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। अनमोलप्रीत 5, अभिषेक शर्मा 4, मार्करम 10, राहुल त्रिपाठी 1 पर आउट हो गए। हालांकि 59 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद हेनरिक क्लासन और भुवनेश्वर कुमार ने पारी को कुछ देर के लिए संभाला। क्लासन ने अर्धशतक लगाते हुए 44 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली, तो वहीं भूवी ने 27 रन बनाए। टीम कुल मिलाकर 20 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर 154 रन बना पाई और 34 रन से मुकाबले को हार गई। हालांकि टीम एक शर्मनाक हार से बच गई, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि यह टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, मगर किसी तरह इस टीम ने अपनी लाज बचा ली। हालांकि पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुका है 18 अंकों के साथ, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीदों पर कल पानी फिर गया। कल के हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुका है। हालांकि अभी भी इस टीम के 2 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैं, जहां यह टीम कमबैक करते हुए विपक्षी टीम का रास्ता बिगाड़ सकती है। तो देखते हैं आगे के मैच में क्या देखने को मिलता है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।